हम ये इधर नदी से उस तरफ जाएंगे तो क्या आएगा? ये सामने उसके पीछे आइलैंड। आइलैंड कौन सा? आप कहाँ गए हो? तो अगर मैं यहाँ से इंडिया जाना चाहूँ चले आऊँगा इंडिया उस तरफ से जाएंगे। और यहाँ से क्या आएगा इस तरफ से? अच्छा दुबई है। कितने का होगा थोड़ा सा बताएं? अच्छा पहले मोबाइल के बारे में बताएंगे पहले, लेकिन पहले थोड़ा सा कैफे वात्रा के बारे में बताएं और ये एयरमैन गोल्फ क्लब के बारे में बताएं, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे, गोल्फ खेल सकते हैं और क्या कर सकते हैं इसके अलावा? आप कारों की रेस होती है और ये इवेंट हो रहा है यहाँ पे। इसी इवेंट में मैं आया हूँ, ये पीछे हो रहा है ना, इवेंट भी होता है यहाँ पे, कैफे वात्रा रेस्टोरेंट भी है। वो बंद हुआ है अभी, कब खुलेगा? दो हफ्ते लगे। बंद क्यों हो गया पता नहीं। ये पीछे जो बना हुआ है ना, ये वाला ये पीछे ये अभी बना है स्विंग वगैरह। क्या जल्दी में हो आप? इंटरव्यू दो ना यार, अच्छा लगेगा ना, लोग देखेंगे इसको इंटरव्यू को। अच्छा रेस होती है और गोल्फ क्लब होता है और गोल्फ होता है, रेस होती है और? मैं खुद नहीं हूँ, मैं 2 महीने। अच्छा 2 महीने हो गए, चलो किसी और को पकड़ता हूँ मैं। Condiments Roadshow 2022. आप में से कौन रोटी खा के अभी नहीं आया, हाथ खड़ा करे। पछताने वाले हैं, काफी लंबा शो है। बहुत ही मजा आता है। मेरा नाम अमित पटेल, इट्स एन ऑनर फॉर मी टू बी हियर। एयरमैन गोल्फ क्लब में हूँ मैं और इवेंट करने आया था। पीछे जो है वो बहुत ज्यादा पानी है, कश्तियाँ भी चल रही हैं, मैं दिखाऊँ आपको। तो दिस इज एयरमैन गोल्फ क्लब तोरंगी क्रीक नियर बोल न्यू। कार रेसिंग होती है, बोटिंग होती है और गोल्फिंग होती है, ये 3 चीज़ें होती हैं यहाँ पे। इसके अलावा इवेंट्स भी होते हैं, बहुत ज़्यादा इवेंट्स हो रहे होते हैं यहाँ पे, सर्दियों में ज़्यादातर हो रहे होते हैं। और इससे पहले कि अंधेरा हो जाए, मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ी बहुत वीडियोस जो है वो बना लूँ कि जो है वो बड़ी जगह है, बहुत बड़ी जगह है और अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर आओ, बहुत अंदर की तरफ जो है वो कोने पे इवेंट होते हैं और शुरू में भी होते हैं लेकिन कोने पे ज़्यादा होते हैं बिल्कुल एंड में। और वहाँ पे जो है वो एक कैफे वात्रा भी बना हुआ है जो बंद हुआ है, अभी टेम्परेरी बंद है और खुल जाएगा।